एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जो आज का वीडियो है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और थंबनेल देख के टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने अपनी बालकनी के लिए सोचा था कि मैं फाउंटेन बनाऊंगी, बट उससे पहले ही मुझे बहुत अच्छी रेंज में बहुत बालकनी के बाद मुझे मिल गया, तो कभी मौका ही नहीं मिला। सो ये जो मौका मिला है ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है। वो लोग अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, सो वो चाहती थी कि उसके जो एंट्रेंस है घर का वो छोटा सा स्पेस है, सो उसका मेकओवर हो। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिसमें फाउंटेन था और लो मेंटेनेंस का, मतलब ज़्यादा एफर्ट ना कर पाए, इस तरीके की डेकोरेशन हो और अच्छा सा डेकोरेशन हो जाए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर शेयर करेगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, क्या अच्छा लगा, कैसा अच्छा लगा, एंड अपने सजेशन भी आप दे सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ट्रे जो कि ऑफिस टेबल टॉप पे यूज़ की जाती है मोस्टली। सो इसकी डेप्थ मैंने इतनी रखी है कि जो मोटर मैं यूज़ कर रही हूँ वो पूरी डिप हो जाए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वुड लॉक्स जो कि बहुत इजीली मिल जाती है। ये बेसिकली वहाँ मिलती हैं जहाँ पे ये किलो के हिसाब से बिकती हैं और बहुत सारे वेस्ट जो वुडन्स होते हैं वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं। सो बहुत ढूंढने के बाद मेरे को परफेक्ट शेप मिला है। उसके बाद मैं ये कैटल यूज़ कर रही हूँ जिसके बॉटम में मैंने इस तरीके से पाइप के साइज़ का होल करवा लिया है और उसके बाद अभी मैं इसको रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसका बेस रेडी कर रही हूँ, तो बेस के लिए मैं इस तरीके से एक न्यूज़पेपर के पीस में रख के देखूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ मेज़रमेंट कि मुझे ट्रे के ऊपर जो बेस बनाना है वो कितना बड़ा बनाना है। तो न्यूज़पेपर की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक साइज़ ले लिया है और ये सीमेंट वर्क मैं बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ। तो रेशियो यहाँ पे मैंने लिया है 2:1। अगर आप 1 कप सीमेंट लेते हैं तो 2 कप आप सैंड ले लीजिए, ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। सो यहाँ पे मैंने जो साइज़ लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 कप सैंड लिया है एंड 1.5 कप मैंने सीमेंट लिया है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ड्राई मिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको तब तक ड्राई मिक्स करना है जब तक कि वो जो सीमेंट होता है वो आपको दिखना बंद हो जाए। इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज़ फिर वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है। सो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। सो अब मैं इसको पानी के साथ मिक्स करूँगी, तो पानी आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है, एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। सो पानी से थोड़ा थोड़ा लेके पहले मैं इसको मिक्स करूँगी। जो हमारा पेस्ट है वो रेडी हुआ या नहीं हुआ इसके लिए आप इस तरीके से बॉल बनाइए, अगर वो ब्रेक होता है इसका मतलब थोड़े पानी की ज़रूरत और है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जब बॉल बनने लगे तो दैट मीन्स कि आपका पेस्ट रेडी हो चुका है, बट बहुत पानी नहीं डालना है। इस बेस को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ, पहले फर्स्ट लेयर बनाऊँगी उसके बाद सेकेंड लेयर मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद अब मैं एक बार इस वुडन पीस को रख के देख रही हूँ इसके मेज़रमेंट के लिए और उसके बाद मैं इस पेस्ट को बहुत थोड़ा थोड़ा निकालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं निकालूँगी, वरना नीचे का जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है वो अगर पतला रहा या कमज़ोर रहा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो अभी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। उसके बाद जब दोनों वुडन पीस को मैं रख के फिर सेकेंड लेयर में लगाऊंगी ताकि एक बहुत अच्छी सी इसको मजबूती मिल जाए, और आप जैसे चाहें इसको वैसे फिक्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, जैसा चाहे वैसे डिज़ाइन आप इसके ऊपर बना सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सा टेक्सचर देने की कोशिश कर रही हूँ। सो अभी मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों पीस को रख लिया है, तो एक बार आप मेज़रमेंट ज़रूर कर लें कि जो आप फ्लोर्स बना रहे हैं उसमें कितना गैप रहना चाहिए। सो अभी ये बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट डे मैंने एक थोड़ा सा पेस्ट बनाया है खाली सीमेंट का, उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी और उससे ये होगा कि इसको थोड़ा और स्ट्रेंथ मिल जाएगा, थोड़ी मजबूती आ जाती है। आप चाहें तो थोड़ा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, वो मैंने पहले कर लिया है। उसके बाद मैं ये पेस्ट लगा रही हूँ और अच्छे से ड्राई होने के लिए मैं इसको रख दूँगी। अब उसके नेक्स्ट डे ये अच्छे से ड्राई जब हो चुका है, आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से हिला रही हूँ, फिर भी ये
फिक्स है, दैट मीन्स कि ये बन चुका है मेरा। अब मैं रेगमा की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मैं हटाने की कोशिश करूँगी और इसको एक अच्छी सी फिनिशिंग देने की कोशिश करूँगी, सीमेंट को भी और वुडन पीस को भी। उसके बाद मैं इसमें कलर करूँगी, कलर के बाद मैं इसमें वार्निश अप्लाई करूँगी। ये जो वुड लॉक्स हैं इसको मैंने सोचा है कि थोड़ा नेचुरल लुक दूंगी, तो जिसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर चूज़ किए हैं यहाँ पे, ब्राउन एंड ब्लैक, जो मतलब जितना भी नेचुरल के लिए जो जो शेड्स होती हैं, हल्का ब्लैक होता है, हल्का ब्राउन होता है, और अगर कोई वुड लॉक्स की जो ऊपर की लेयर निकली होती है, अंदर का पोर्शन दिखता है, तो उसके लिए उससे भी लाइट होता है, तो थोड़ा सा वो देने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ड्राई होने दूँगी। कलर ड्राई होने के बाद अब मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। तो जब भी आप वार्निश अप्लाई करें तो उससे पहले एक छोटा सा कंटेनर ज़रूर रख लें, जितना आपको चाहिए आप उतना यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी बार बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत जल्दी सूख गया है मेरा कई बार। अब मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर रही हूँ, तो ये जो बेस है ये पानी के ऊपर रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कभी कभी इसमें ड्रॉप्स भी गिरेंगी, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना मेरे लिए ज़रूरी है। तो मुझे 2-3 बार तो अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद भी मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करूँगी। अब इस सीमेंट बेस पे मैं थोड़ा सा बेल लुक देने के लिए यहाँ पे मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ, और इस क्ले की हेल्प से मैं यहाँ पे छोटी छोटी बेल्स बनाने की कोशिश करूँगी, जो वुडन के ऊपर जाएगी, फ्लोर पे जाएगी, उसके बाद मैं इसको कलर करूँगी। अब मैं इस कैटल को थोड़ा सा चेंज करूँगी, जिसके लिए मैंने एशियन पेंट लिया है, ग्लॉसी है और वाटरप्रूफ होता है, वाइट शेड लिया है मैंने यहाँ पे। सो जब भी आप इसको अप्लाई करें तो बिल्कुल चिंता ना करें, इसकी लाइंस जो हैं अपने आप गायब हो जाती हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, बट आपको 24 आवर्स के लिए अच्छे से ड्राई होने देना है इसको। अब जो ये पाइप है इसको मैं एमसील की हेल्प से यहाँ पर फिक्स करूँगी। तो अगर आप सोचेंगे कि मैंने ये होल कहाँ से करवाया, तो जहाँ पे आयरन के फ्रेम्स बनते हैं, विंडोज़ बनते हैं, है ना, वहाँ पे इजीली वहाँ पे आप जाएंगे तो वो होल कर देते हैं इसमें, जितना भी आपको जो साइज चाहिए। तो अभी मैं इसको अच्छे से फिक्स करूँगी ताकि जो वाटर है वो यहाँ से लीकेज ना हो। एमसील जो है उसको अंदर और बाहर दोनों साइड में अच्छे से लगाना है। पाइप मैंने ग्रीन कलर की चूज़ की है ताकि जब मैं इसको पूरा रेडी करूँ तो थोड़ा ऑड ना लगे, ऐसा लगे कि बेल का ही कलर है। और इसके हैंडल पे मैंने इस तरीके का ब्राउन और ब्लैक कॉम्बो रखा है। सो फर्स्ट फ्लोर के लिए मैंने कैटल चूज़ किया था, सेकंड के लिए मैं इस तरीके का एक पॉट ले रही हूँ जो कि आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएगा। सो अब इसको कट करना था, वाटर पोर के लिए स्पेस भी बनाना है, तो सबसे ईजी मेथड है कि आप 24 आवर्स के लिए इसको डिप करके रख दें। तो आप नाइफ की हेल्प से भी इसका जो भी आप चाहे होल करना हो, चाहे पोर के लिए स्पेस करना हो, तो आप इजीली बना सकते हैं। सो मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं हल्के हाथ से हिट कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत तेज हिट नहीं कर रही, वरना ये ब्रेक हो सकता है। और प्लीज़ मेरे स्लीपर्स को इग्नोर किया जाए, क्योंकि इस टाइम मुझे कुछ और मिला नहीं है, बट ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, थोड़ा कुशन तो चाहिए था इसके लिए। अब मैं यहाँ पे क्ले की हेल्प से इसको डेकोरेट करूँगी, उसके बाद इसमें कलर करूँगी और इसमें भी मैं वार्निश अप्लाई करूँगी।
shake it, baby. सब लास्ट टर्न है इस ट्रे की, और इस ट्रे के लिए मैंने चूज़ किया है यहाँ पे POP और फेविकॉल का पेस्ट लगाऊंगी मैं इसके ऊपर और एक टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो ये बहुत सिंपल है, आप 3-4 स्पून POP लीजिए और इस तरीके से फेविकॉल लेके इसको इसका एक पेस्ट रेडी कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए, अगर पतला चाहिए तो आप पानी, थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से, फिंगर टिप्स की हेल्प से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रेगमार ले रही हूँ और उसके बाद मैं इस पूरे ट्रे में अच्छे से रब कर दूँगी। इससे ये होगा कि जो मैं पेस्ट लगाऊंगी ना वो और अच्छे से इसमें फ़िक्स हो जाएगा, वरना प्लेन सरफेस में मे बी हो सकता है उतना अच्छे से फिक्स ना हो, क्योंकि प्लास्टिक पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर एक वॉल का लुक देना है, जिसके लिए मैं टूथपिक की हेल्प से यहाँ पे वॉल का लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि यार इस ट्रे को सिंपली यूज़ किया जा सकता था, कोई कलर कर देती मैं, बट मैंने ये ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ऑल ओवर आप लुक की लुक को देखें कि इसके ऊपर जो मैं फाउंटेन वगैरह रखूँगी तो उसके साथ ये सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्चर क्रिएट किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अभी मैं इसको अच्छे से ड्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं इस पर कलर करूंगी, कलर करने के बाद मैं वार्निश अप्लाई करूंगी। अब मैं इसके बॉटम में कलर करने के लिए यहाँ एशियन पेंट का ब्लू शेड ले रही हूँ, जो कि विंडोज़ और डोर्स में लगाया जाता है, वाटरप्रूफ होता है। और ब्लू कलर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे पानी रखा जाएगा तो और अच्छे से हाईलाइट हो। सो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है, अब इन सबको मैं असेंबल करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर में मैंने स्टोन रखे हैं इसको वेट देने के लिए, बाद में मैं इसको कलर करूँगी। और यहाँ पे जो मैं मोटर ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 18 वॉट का। उसके बाद ये जो पाइप है, ये बाई चांस वाली बात है कि ये अच्छे से इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बेल्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, और तो उसके साथ जब ये राउंड करके मैं लगाऊंगी तो जो पानी जब वो दिखेगा ट्रांसपेरेंट तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और वो जो कंटेनर था उस इस मेन इसको मैंने फ्लोर देने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। और अब मैं एक बार इसको लगा के देखूँगी कि कौन से पोजीशन पे ये फिट बैठ रहा है। उसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं खाली स्टोन लगा रही हूँ इसको टिल्ट करने के लिए, अभी जो फाइनल मैं फ़िक्स नहीं कर रही हूँ, पहले मैं देखूँगी एक बार कि कैसे कैसे फ़िक्स करना है। उसके बाद मैं विद द हेल्प ऑफ एम सील और कुछ वुडन पीसीस को मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी, तो उसकी हेल्प से मैं इसको फाइनल फ़िक्स करूँगी। जैसे कि इसके बाद मैंने यहाँ पर वुडन पीस लगाया है और यहाँ पर एम सील लगाया है, इससे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली ये फ़िक्स हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद सेम उसी का कलर और वार्निश लगा दिया मैंने। सो ये मेरा रेडी हो चुका है
और जैसा मैंने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसा ही बना है। इसके साथ का एक स्टैंड भी बना है और जिसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। डेकोरेट करने के लिए मैंने ग्रीन प्लांट्स, कुछ स्टोन आर्ट के मेरे होम्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, जैसे चाहे हम वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ, जब जिनके लिए मैंने ये बनाया है सब उनके स्पेस में मैं इसको डिस्प्ले करूँगी तो आपको एक बार मैं फिर ज़रूर दिखाऊँगी।